एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा किस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफी मांग लेता, योगी जी से माफी मांग लेता, मोदी जी से माफी मांग लेता, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग है यहाँ के, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफी ना मांग करके उसने घाव को ताजा कर दिया, फिर माफी ना मांग करके उसने घाव को फिर हरा कर दिया। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरा कोई भी कार्यक्रम स्थगित नहीं होगा। अभी पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा बाकी है, फिर बिहार का दौरा बाकी है, फिर झारखंड का दौरा बाकी है, फिर 5 छोटी छोटी यात्राएं हैं, फिर 4 तारीख को 5 तारीख को जो है प्रमुख या है, तो उसमें हम लोग हमारी बरकरार रहेगी। और जो तुलसी उद्यान है उस दिन संयोग से उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन आता है, तो हम लोग जो है वो ठाकरे को जो रोकने वाला ताकत लगाने वाले थे एयरपोर्ट पर, वो ताकत हम लोग कन्वर्ट कर दिए हैं वैदिक रूप से, संत महात्माओं के साथ, संस्कृत के विद्यार्थियों के साथ हम सब लोग भव्य रूप से योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको अयोध्या आने नहीं देगा। अयोध्या नहीं, चूक गए वो। अयोध्या क्या, वो उत्तर भारत के किसी भी प्रांत में कदम रखेंगे तो कोई न कोई विरोध करने के लिए वहां खड़ा हो जाएगा। अब मेरी जरूरत नहीं है विरोध करने की, अब कोई न कोई नौजवान खड़ा हो जाएगा, नौजवान जैसे ही खड़ा होगा उसके साथ लोग आगे आ जाएंगे, क्योंकि इसने माफी न मांग करके घाव को फिर हरा कर दिया है। इतनी बड़ी जीत मानते हो अपने? अरे यार इसमें क्या जीत, ना इसमें जीत है ना हार, सर इसमें जीत हार नहीं। दौरा कैंसिल करने की क्या वजह है? अगर वो माफी मांग लेते तो अब तो हम मानते कि हृदय परिवर्तन हो गया। माफी ना मांगना